दोस्तों मार्केट पहुंच चुके हैं और यही है पत्रा का जो है दुकान, तो यही यहाँ पे ढेर सारा पत्रा रखा गया है, मैं यहीं से लेऊंगी पत्रा। तो दोस्तों ये मैंने 12 फुट का पत्रा लिया है और एक लिया है उधर पाइप। तो दोस्तों हमने ये बिल बनवाया है 4,224 रुपये, 1, 2, 3। तो दोस्तों ये 4,220 रुपये है, मैं दे देती हूँ और पत्रा लदवा के ले चलती हूँ उनके घर। यहाँ पे पत्रा हमने लाद लिया है, यही पहने ही। तो ये हमारा पत्रा जा रहा है उनके घर, तो बहुत ज़्यादा अब रात हो जाएगी तो ना। तो दोस्तों उनके घर मैं पहुंच चुकी हूं और एक बार उन्हें आप लोगों ने देखा होगा इनका घर, और ये दोबारा आप लोग देख लीजिए। तो चलती हूं मैं उनके घर। और दीदी नमस्ते, आपसे मिलने आए? ठीक बा, आप ऐसे मिले आई ही, क्या कर रहे हैं? अरे खुश रहे, खुश रहे। अंदर रखा था इनका? हाँ, दीदी ऊपर ही रखा था अंदर, बस क्या लग हो रहे हैं ना। हाँ, बरसात तो आने वाली है, फिर से माने बरसात होने लगे, तब कहाँ रखा है, फिर झूठ जा रही तब तो ना। तो यहाँ पे रखा था, यहाँ पे सही रहा था। दीदी आप लोग दें ही तब तो हुए, माने दे जाए छाया हमें तब तो आराम से रह जाए। अब ऐसे बरसात होता है वहाँ रह जाए, फिर वहाँ से भिजाए जाए, कहाँ लगाई जाए, कहाँ हुएगा देला बच्चा, कहाँ जिए खिए जाए। कैसे आए हैं? आपसे मिले, और ठीक बात है। दीदी आपका नमवा का वहाँ पर हम पूछे ना रहे, भूल गए रहे हैं। हाँ, नमवा दीदी ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह मैं तो ज्ञान दे भी रहा, लेकिन यहाँ आया तो अच्छे से भी पहले बैठ जाए तो पढ़े ना ही ना आप ना। तब और दीदी घर दुआ कैसे चला था? और घर दुआ दीदी देखा था, वैसे बाकी सब ऐसे निभावत है। हाँ, तीन तीन बच्चे लेके से निभाते हैं खाली। और आप खाना बनावा थे ना स्कूल में? हाँ, 12 महीना खाना बनावा थे, कई महीना पैसा मिला था आपके? 12 महीना तक दीदी नहीं बनाते हैं, 11 महीना तक बनता है खाना। अच्छा, 11 महीना बनता है साल में? 10,000 मिलता है, बाकी नहीं मिलता। अच्छा, साल भर में 10,000 मिला था? हाँ, साल भर में 10,000 मिलता है, लेकिन फिर भी सोचो कि मानो तेल और कैसे चलेगा, दवा दारू बच्चा और कैसे जिलाई खिलाई, वहाँ में फीस रह जाता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बच्चों को जानते हैं कितने लोग। हाँ दीदी, 1,000 रुपया में 4 बच्चा, 4 लोग हैं ना आप? हाँ, 2 लड़की, 1 लड़का, 1 आप। हाँ। तब दीदी ना आपसे बताओ थे कि एक लोग हैं भैया, तो आपके लिए मदद के लिए पैसा दे हैं 5,000 रुपया, तो उन्होंने मतलब ऐसा नहीं किया है कि बस यही सामान आप उसके लिए उनके लिए खरीद लीजिए, पर मुझे मैं सोच रही थी कि क्या लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि दीदी से पहले पूछ लेते हैं क्या है, क्या आपको चाहिए। तो दीदी आप लोग तो विचार जो करें, लेकिन मैं तो बस क्या लगाइए बाबा, लेकिन परेशान हूँ, मड़ाई सड़ाई चू रहे हैं, जितिया खाना बनाओ थी, अब क्या करें हम परेशान हैं। फिर सोचा पन्नी ले ली, पन्नी भी नहीं ले सकते थे, एक भूसा काट गए थे कि भूसा काट के अपना मलाई बना ली रही। अच्छा, अब हमें हम रही थे। तो दोस्तों देखिए उनका मतलब इनके पास इतना दीदी मतलब इतना टेंशन में है, बरसात आने वाली है, वही बता रही हैं कि बरसात आने वाली है, मुझे बहुत टेंशन है कि मैं यहाँ पे खाना बेटी लोग बनाती हैं, और सोच रही थी पन्नी ले लूं, पर पन्नी के लिए भी पैसा आपके पास नहीं है? नहीं दीदी, पैसा भी नहीं दीदी। तो दीदी वही कुछ काट के रखे हैं यहाँ पे? काट के रखे हैं, काट के रखे हैं, वही जुटावट है बच्चे तो काटे। अच्छा, पहले कुछ सुखवावत हमारे सुखवावत है, मनाई लगाए कर मनाई के फिर चाहे पैसा। हाँ, तो आपने हाथे सब करा? हाथे कहाँ से कर पाओ, थोड़ा बहुत आए तो लागे दीदी, बात सोच आपके पास ना सुना दीदी, वो भी लागे, वो भी जाना था उसको। अच्छा, मड़ाई में भी मतलब 1,500 खर्चा आ जाता था? 1,500-2,000 रुपया लागत बरूबर। हाँ, बासों के लाके और बनाए हुए के
मोल खरीद लेगी, मेरे पास कांच नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये तालाब है, हाँ बहुत बड़ा तालाब है, उसी में से ये काट कट के पानी में से लाई हैं, और ये देखिए सुखाने के लिए उधर डाली हुई हैं, इधर बोझ बांध बांध कर ये बड़ाई बनाने के लिए इकट्ठा की हैं। तो दीदी हम सोच रहे हैं कि आप मड़ई बनाने में मतलब एक महीना तक आपको लग जाएगी, इसे सुखवाओगी फिर बांस काटोगी फिर मनई करोगी, तो सोच रहे हैं कि 5000 रुपया है तो पत्रा लेने ठीक पड़ेगा ले जाते दीदी, मतलब बहुत दिक्कत आती है, सहयोग हो जाते हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है दीदी, तब टेंशन मत लें, हम पत्रे आपके रखते हुए। तो दोस्तों देखिए मड़ई छाने में जैसे कि आदमी लोग तो आराम से कर सकते हैं, औरत लोग को बहुत परेशानी होती है क्योंकि बांस काटना छाटना उसको मड़ई लगाना और ये सब तो काटना में तो औरत लोग काट लेती हैं, और वही दीदी सोच रहे हैं कि पत्रा रख दें तो वैसे उनके आंखों से आंसू बह गया कि उनको बहुत हेल्प हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ दोस्तों मैं पत्रा ही इनका ले लूँ। तो बेटा इंची टेप कहाँ रखे, वही निशान लगा दो थोड़ा सा, आ दीदी यहाँ पे सोलह फुट आओ तो भाई यहीं तक रहे ना, ये दिवाली पाओ तो दोस्तों ये लंबाई जो है 10 फुटे का आएगा और ये चौड़ाई जो है 16 फुटे का। तो मैं चल रही हूँ दीदी के लिए पत्रा लूँगी, और यहाँ पे चलिए आप लोग अंदर से भी देख लीजिए दीदी इसमें क्या क्या रखी हैं, रसोई घर है तो अंदर से देखिए बहुत मतलब खाल हो गया है, तो सारा पानी वहीं बीच में रह जाता है, अंदर गिर जाता है। तो दोस्तों देखिए अंदर से देख लीजिए, यहीं पे दीदी खाना बनाती हैं और इनकी बेटी भी बड़ी हो गई है, हमसे हेल्प करती है, इधर ऊपर ही रखी हुई है। हाँ जब बारिश होने लगती है, बारिश होने लगता है ना तो खाना भी नहीं पका सकते हैं, कैसे परेशानी हो जाता है, बाजी बाजी दिन बच्चा हमारा ऐसे रह जाते हैं नहीं खा सकते हैं, ऐसे सूखे पेटे सो जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर दीदी देख लीजिए कोई भी यहाँ सांस भी नहीं है कि हम लोग रह ले इसे, चलो अंदर देख लेते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है दीदी देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा मांग मांग के प्याज रखे हैं, मांग मांग के बनी मजूरी कर करके गल्ला जुटाए हैं मेहनत करके फिर भी। हाँ दीदी समझ रहे हैं आपको, हम लोग इसीलिए तो आपके पास आए हैं, कितना आप मेहनत कर रहे हैं अपने दोस्तों, मतलब ये दीदी अपना तकलीफ पूरा बता रही हैं मुझसे कि मैं कैसे कैसे अपना घर बार चला रही हूँ, और अंदर देखो दोस्तों कुछ भी मतलब ये थोड़ा सा ही सामने दरवाजा के सामने थोड़ा सा ही जगह है, उसके बाद सारा थोड़ा सा भी घर है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है दीवार क्योंकि बहुत मोटी मोटी दीवार है ये, और जगह बहुत कम अंदर है। तो दीदी हम जा रहे हैं मार्केट और आपके लिए पत्रा लाएँगे, तो देखते हैं कितने में मिलेगा कैसे मिलेगा, तो साधन करेंगे वहीं से ले आएंगे। ठीक है दीदी। और बेटा आप मन लगा के पढ़ रही हैं तो आप कक्षा 10 में नाम लिखाएंगे कि पढ़ेंगे कि नहीं, तो ठीक है आप टेंशन मत लेना, अब मैं सोच रही हूँ कि इनका भी नाम एडमिशन कराने के लिए। और एक बेटी आपकी कहाँ गई, आज मढ़ा उतार रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आई हूँ दीदी के घर, तो दीदी देखिए अपना बना रही हैं टीना पत्रा रखने के लिए, मट्टी से खून बनाई हुई है। दोस्तों बहुत तेज़ी से दीदी अपना मतलब पत्रा रखने के लिए काम कर रही हैं, तो अपनी छोटी बहन को बुलवाई हैं और वहाँ पे उनके जीजा जी हैं आए हैं उनका हेल्प करने, तो दीदी यही मड़ई उतार के वहाँ से यहाँ पे रखी हुई है, यही मड़ई मतलब भैंस के लिए वहाँ पे हवा के लिए बनाएंगी। तो दोस्तों देखिए उनका दो मड़ई भैंस के लिए है और उसी में अपना भैंस को बांधती हैं, तो ज़्यादा टूट गया है उसके अंदर धूप जाता है, तो दीदी सोचें कि अपनी मैं दूसरा मुझे बनवाना पड़ेगा, तो यही मड़ई यहाँ पे वहाँ पर उतार के रखी हुई है वहीं पर रखी हुई। तो मैं एकदम सुबह ही आई हूँ, दीदी यहाँ इधर खाना बन रहा है, तो यही एक स्थान है ऊपर से मतलब
तैयारी भी हो रही है और यहीं पे खाना भी बन रहा है। दीदी क्या क्या बनाई है? दाल चावल बन रहा है दीदी। दाल और जीजा को अपने छोटी बहन को बुलाई है और हेल्प करने के लिए, तो काम उसी दिन से चालू है। दो तीन दिन हो गया, तीन दिन हो गया ना। तो मैं आई थी दीदी का ये देखने की कितना तैयारी कर रही हैं और कहाँ तक काम पहुँचा, और मैं सोचा क्यों ना आप लोग को भी दिखा दूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। और मैं मुझे लग रहा है कि आज ये फाइनल नहीं होगा तो कल फाइनल हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी। तो अब मैं चलती हूँ और दीदी अपना काम करेंगी। ठीक है दीदी, आप लोग का ऑर्डर तो ठीक ठाक रही है, लेकिन गेल में आए में परेशानी होगा? ना, ये चले आया है, तो चलिए अंदर भी देख लेते हैं। चले दीदी, देखिए बड़ा बहुत ही बढ़िया दीदी बनवा ली है। और आपने छोटी बहन को बुलाई थी वही? तो दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि पत्रा हमने अपने पैसे से नहीं रखवाया है, एक दोस्त ने रखवाया है, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है। तो देखिए थोड़ा सा तो उनको मैं धन्यवाद देती हूँ।